उर्दू को तुमने नॉर्मलाइज करने की कोशिश की अपने ब्रांड के थ्रू इसके पीछे क्या थ्योरी है अच्छा इसके पीछे मुख्तलिफ थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही हैं एज आई सैड वी स्टार्टेड इट ओनली स्टार्टेड विद वन प्रोडक्ट एंड वो उर्दू उसके अंदर मंटो के नाम के अंदर तो एग्जिस्ट करी थी इसकी डे टू डे लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करी थी बीच में मेरा उर्दू से रिश्ता थोड़ा सा वीक हो गया नाजुक हो गया लेकिन बचपन में आई एट अराउंड थर्टीन फोटी आई यूज टू राइट सो आई आई कॉल्ड माई सेल्फ और कट का जमाना था सेल्फ तो उस वक्त मैं तमाम सिंगर्स को मैसेज करता था, था लिरिक्स लिखता हूँ फिर इसी तरीके से मेरी वालदा उर्दू की शेर व शायरी की बड़ी शौकीन मेरे दोनों मामू जो यू एस में अभी हैं वो बेहतरीन किस्म की शेर व शायरी करते हैं मेरे पर नाना जो मेरी वालदा के नाना थे ही वॉज़ अ फिनल पोइट एंड राइटर रहा से ताल्लुक था uh, वो इंडिया में थे उस वक्त इनफैक्ट ही वॉज़ अरेस्टेड बाई द ब्रिटिश सिटी आई डोंमेंबर आई थिंक इट वॉज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट इन अई रिम्बर कि मेरी पूरा खानदानी एक जो है गुजरात में के अंदर मुख्तफ गाँव में वहीं से आ रहे थे तमाम उस वो वहीं पर रहते थे सो दैट मस्ट है सिटी तो वो लिख नहीं सकते थे पढ़ नहीं सकते थे लेकिन ही यूज टू डू पोइट्री इन फोर लैंगवेज सो गुजराती उर्दू इंग्लिश एंड आई बिलीव मे मी सो so, um, कुछ चीज़ें वहाँ से एग्जिस्ट कर रही थी फिर दूसरी तरफ ये था कि वी रियली वॉन्टड कि अब बेसिक क्लोदिंग है उसके साथ लोगों को कुछ दिया जाए पहनने को दैट ऑल्सो रेजनेट्स विद द ब्रांड तो हमने मुख्तलिफ डिज़ाइंस ट्राई की सम उर्दू बेस्ड सम नॉन उर्दू बेस्ड और पहली हमने uh, इकबाल की एक नज़म है सितारों से आगे जहाँ और भी है तो जब हमने वो शाए की और बहुत कम क्वान्टी आई थिंक फर्स्ट प्रोडक्शन के अंदर हमने चालीस पीस बनाए थे फोर्टी पीस अगैन फोटी पीस तो अलहमदिल्ला दे वेंट आउट राइट देर और फिर लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेन थी कि यार आप आ, ये और आउट ऑफ स्टॉक क्यों है, आप और क्यों नहीं बना रहे तो so, वहाँ से जर्नी शुरू हुई और फिर जितना भी मंटो फ्रॉम डे वन बिल्ड हुआ है वो मंटो की कम्युनिटी के साथ हुआ है जो कस्टमर्स या कम्युनिटी बिल्ड हुई भी है अमेजिंग पीपल एंड देव रियली हेल्प डस बिल्ड अलॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग स्पीकिंग विद दैम सम्स कहते हैं कि यार प्रवीन शाकिर कि कोई इस तरीके से चाहिए सो वी मेक श्योर कि ठीक है इन क्लोदिंग अगर हम कोई चीज़ इस तरीके से लेकर आ रहे हैं तो नंबर uh, वन yeah, मेरा मेरा पॉइंट एक ये भी है कि इसके अंदर एक रिस्क मुझे लग रहा था बिल्कुल जो मैं स्टार्ट में पूछना चाह रहा था ना वो ये है कि उर्दू को नॉर्मलाइज करने से मुराद ये है कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा है एलीड भी अंग्रेज़ी बोलती है ठीक है अगर आपकी टारगेट मार्केट है यूथ वो भी अंग्रेजी को फोकियत ज़्यादा देती है ठीक है कपड़ों पे अंग्रेजी में कुछ लिखा होगा कोट बहुत अच्छा लगेगा बाई टी शर्ट पर लिखा हुआ है कैरून के हुआ डैम तो वो टी शर्ट बिकेगी हज़ारों की तादाद में तो ये जो मैं तुमसे पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ ये इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था इतना बड़ा रिस्क और तुम आए हो ठीक है एक और ब्रांड है रास्ता जिसने काम किया लेकिन मैं फिलहाल तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुमने उर्दू में लिख दिया अब इतना बड़ा रिस्क है कि जिस टारगेट मार्केट को तुम बेचना चाह रहे हो वो ये ना कह दे कि यार मेला लग रहा है कितना बड़ा पॉइंट है बट द वे यू हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स ठीक है इतना आर्टिस्टिक और इतना कूल cool और इतना सेक्सी और Thank इतना फाड़ू so कर दिया नहीं जेनविनली क्योंकि पहने हुए ना तुम तो दिख रहा है कैमरे में जो लोग देख रहे हो बोल रहे होंगे कि यार ये जो चीज पहना हुआ है शर्ट ठीक है इट लुक्स कूल इट डजन लुक बैड जिस तरह से उर्दू लिखी हुई है ये एक बहुत बड़ा रिस्क है ये दो नजरिए आ जाते हैं कि यार मैं बेचूंगा तो लोग ये ना बोले अभी यार उर्दू यार मैली लग रही है क्या पागल नहीं नहीं क्रिटिक्स भी हैं और ज्यादा मेले लगने वाला वो नहीं है बिकॉज उर्दू इज़ कूल हो ही नहीं I सकता। उर्दू इज रियली कूल एग्जैक्टली अब इसके लिए हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं पहले मेरा आपसे सवाल है वॉट इज लैंगेज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर वॉट इज फैशन वट इज इज देट अ पार्ट ऑफ यूर कल्चर जो हम पहन रहे हैं जो हम जिस लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हैं और सब कल्चर्स भी है ना हर किसी का अलग डायलैक्ट है हर किसी का इसी तरीके से म्यूजिक एवरी थिंग कल्चर उर्दू इज सच असिफ पार्ट ऑफ आर कल्चर तो क्यों ना इन दोनों कल्चर्स को क्यों हम इंटीग्रेट नहीं करतेव टू भी वेरी केयरफुल के कहीं उर्दू की बेहरमती ना हो जाए खूबसूरती आए हाँ खूबसूरती भी आए और बेहरमती ना हो जाए और काफ़ी लोगों की तनकीद ये होती भी है कि यार आप उर्दू का मजाक बना रहे हैं ये तो ख्याल तो देखें सबसे पहली मेरी आप, आपकी अपनी क्लेरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमने जो एटलीस्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विटनेस किया जो हमारी कम्युनिटी ने हमें फीडबैक दिया एक खातून कह रही है जब से मैंने कुर्ता लिया है तो मेरी बेटी जो कि इंग्लिश स्कूल के अंदर जाती है उर्दू के अंदर बात करने से कतरा है वो मुझसे बैठ के पूछिए क्या लिखा हुआ है इट लुक्स एस्थेटिक एस्थेटिक तो वो इंटीग्रेट वो खुद ब खुद आके पूछ रही है तो फॉर मी आई पर्सनली फील के उर्दू प्रमोशन फैशन के अंदर जब आता है तो ऑब्वियसली उर्दू की प्रमोशन या कोई भी लैंग्वेज की कोई भी चीज़ की प्रमोशन उस तरीके से होती है of अच्छा course. दूसरा वी आर ऑल्सो वेरी केयरफुल कि अगर हमारी शर्ट और पैंट के अंदर कोऑर्डिनेटेड साइड्स है और उर्दू बेस्ड है तो आप देखेंगे शर्ट पर उर्दू लिखी हुई होगी पेंट में पे उर्दू नहीं होगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट गुड पॉइंट तो यू ऑल्सोव टू वेरी केयरफुल ऑफ ऑल ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स टू भी एम्पांग हैव टू बी स्ट्रेंथनिंग वो कोई अपसेटिंग याडिस्टिक चीजें नहीं हो सकती या फिर एट द सेम टाइम वी मेक श्योर की कोई स्परिचुअल चीज ना हो बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी अल्लाह करे वो चीज़ नहीं आ जाए और किसी की स्पिरिट्स को हर्ट नहीं करें बट एज लॉन्ग एज हमारी क्लैरिटी है तो नाउ आई बिलीव इनफैक्ट ये ओनली आई वॉज स्पीकिंग विद अ फ्रेंड एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम न्यूयॉर्क और वो मुझे बता रही थी कि वो एक बॉस्टन के अंदर दावत में गई जिस पार्टी की थीम थी मंटो थीम वेयर मंटो थीम तो अब अमेरिका के अंदर एक उर्दू थीम की पार्टी चल रही है दावत चल रही है बाई पार्टी आई डू नॉट मीन कि भाई एक वाली पार्टी चलिए बट इन इन जनरल टर्म्स एक दावत चलिए जिसके अंदर सब आके बैठे हैं शेर व शायरी की बात कर रहे हैं सो आई डिड नॉट टू बी ऑनस्ट थिंक है इस तरीके से उसका इम्पैक्ट होगा बट नो देट आई सी इट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट वी गॉट इन टू उर्दू